सामाइन से गुजारिश की जाती है कि हमारे दोनों चैनल्स के प्लेटफॉर्म से जितनी भी ऑडियो बुक्स की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है उसे खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको ज़रूरी अपडेट्स मिलते रहें और हमारी टीम की फिनंशियल सपोर्ट के लिए पैट्रियन के लिंक ज़रूर चेक करें जजाकल्ला तारीख इस्लामसुवम मुसनफ मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी खिलाफत एपिसोड एटी इस्लामी उंदलस में दूसरी तवाइफुलमलूकी पिछले अकसात में बयान हो चुका है कि जब उनलस की खिलाफत बनो मैया बर्बाद हुई तो तमाम जजीर नुमाई उनस में बहुत सी ख़ुद मुख्तार इस्लामी सल्तनतें अलग अलग क़ायम हो गई थीं और आपस में एक दूसरे की मुखालफत पर आमदा थीं उस ज़माने में ईसाई बादशाहों ने खूब फ़ायदा उठाया और अपनी हदूद को वसी करके इस्लामी हुकूमत के रुबे को कम कर दिया था उसके बाद मराब्दीन की सल्तनत इस्लामी उनलस पर काबिज़ मुतशर्रफ हो गई यानी अलग अलग छोटी मुसलमान बादशाहतों का इलाक़ा मिलकर एक इस्लामी सल्तनत के मातहत हो गया मगर जिस क़दर मुल्क उस गुज्तर तवाइफुलमलूकी में ईसाइयों के कब्ज़े में पहुँच गया था वो उमूमन वापस ना हुआ और उसकी जगह माहिदीन की हुकूमत क़ायम हो गई तो इस तब्दीली में भी ईसाइयों ने एक कलील हिस्सा उन का और दबा लिया और ईसाई मकबूज़ान लस में ज़्यादा वसी हो गए अब माहिदीन की सल्तनत में ज़ोफ़ो अनहताज़ के आसार ऐसे वक्त नमदार हुए जबकि तमाम यूरोप मुसलमानों की बैकूनी पर आमदा और ईसाई लोग मुस्लिम खुशी के लिए दीवाने हो रहे थे जंग अलव ने न सिर्फ़ माहिदीन की सल्तनत को पैगाम मरक पहुँचाया बल्कि ईसाइयों के मकबूजात को उनलस में वसी से वसी तर बना दिया उसी ज़माने में उनलस से मुसलमानों का नामो नशान पूरे तौर पर मिटाया जा सकता था मगर ईसाई मुजाहिदीन की बदअनवानियों ने उनद ईसाइयों को उनसे मुतनफ़िर कर दिया और इस तरह उनद ईसाइयों ने मुसलमानों के इस्तेसाल का काम किसी दूसरे वक्त के लिए मुलतवी कर दिया मुवाहिदीन की सल्तनत जब उनस से मिटी है तो उनस का आधे से भी ज़्यादा शुमाली हिस्सा और करीबन तमाम मगरबी सूबे ईसाइयों के कब्ज़ तसरुफ में पहुँच चुके थे मुसलमान हटते और सिमटते हुए जनूब मशरक़ की तरफ आ गए थे माहिदिन की हुकूमत के बाद भी उसी किस्म की मलूकी उनलस में फिर नमोदार हो गई जैसे कि उमय्या की हुकूमत के बाद नमोदार हुई थी मगर फ़र्क यह था कि पहली मलूकी में मुसलमानों का मुल्क ज़्यादा वसी और हर एक रईस के कब्जे में बड़े बड़े सूबे थे उस मलूकी में इस्लामी अनलस का रुकबा बहुत मख्तसर और महदूद रह गया था और इसीलिए हर एक रईस के कब्ज़े में बहुत छोटे छोटे इलाक़े थे जिस तरह पहली मलूकी में एक दूसरे के खून का प्यासा था उसी तरह इस मरतबा भी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे बल्कि इस मरतबा ये और मुसीबत थी कि हर एक मुसलमान रईस दूसरे मुसलमान रईस को तबाह बर्बाद कराने के लिए उमुमन ईसाई बादशाह को चढ़ा कर लाता और इस कुशी के काम से फारिग होकर अपनी ममलिकत के बाद शहर और किले ईसाई बादशाह की नज़र कर देता ईसाई बहुत खुश होते और मुसलमानों की इस नाली को इतमिन की नज़र से देखती थी कि हमारा मकसूद खुद ब खुद हासिल हो रहा है रियासत बनू हूद मोहम्मद बिन यूसुफ पाँच सौ तीन हिजरी में अहमद मुस्तयन बिन अबू आमिर यूसुफ मोहतमन बिन अबू जाफर बिन होश ईसाइयों का मुकाबला करते हुए सरकस्ता के सामने शहीद हुआ था यह शाह ने सरकस्ता में चौथा बादशाह था उसकी औलाद में मोहम्मद बिन यूसुफ एक शख्स था जो माहिदीन की हुकूमत के आखिरी अयाम में उनलस के अंदर रईसाना ज़िंदगी बसर करता था उसने जब देखा कि शेराज़ा सल्तनत ढीला हो गया है तो वो कज़ाकों के एक ग्रोह में शामिल होकर उनका सरदार बन गया और रफ़्त रफ्तार अपनी जमीयत को बढ़ाकर मरसिया के आमिल अबुल अब्बास को शिकस्त देकर मरसिया पर काबिज़ हो गया और बहुत जल्द गरनाताा मालिका अलमीरिया वगैरह पर काबिज़ मतशर्रफ हो गया छः सौ छब्बीस हिजरी में करीबन तमाम इस्लामी उनलस उसके ज़ेर फरमा हो गया उसी साल बर्सोलोना के ईसाई बादशाह ने जजीरा म्यूरो और मनोरक़ा को फतेह करके माहिदीन के आमिलों को वहाँ से खारिज कर दिया मोहम्मद बिन यूसुफ़ की इस मिसाल को देखकर मुल्क में और भी बाहौसला सरदार खड़े हुए और हर एक अपनी अपनी अलग हुकूमत क़ायम करने की तदाबीर में मसरूफ़ हो गया मोहम्मद बिन यूसुफ ने यह देखकर कि तमाम सरदारों पर गालिब आना और अपनी हुकूमत पर तमाम रियाया को रजामंद कर लेना आसान काम नहीं है एक खलीफा बगदाद की खिदमत में रवाना की और लिखा कि मैंने आपके नाम से तमाम मुल्क उनल फ़तह कर लिया है और मेरी हुकूमत यहाँ कायम हो गई है लिहाजा नहायत अदब के साथ मुलतजी हूँ कि मुझे इस मुल्क का वाली मुकर फरमाया जाए और इस मुल्क की सनत हुकूमत मेरे नाम की भेज दी जाए खलीफा बगदाद ने इस दरख्वात को तायद गबी समझ कर उनलस की सनत हुकूमत महा मोहम्मद बिन यूसुफ़ के सफ़ीर को अता कर दी जब खलीफा बगदाद मुस्तंसर के पास से सन्त अमारत आ गई तो इबन हूद यानी मोहम्मद बिन यूसुफ़ ने गनाता की जाम मस्जिद में लोगों को जमा होने का हुक्म दिया और ख़ुद अब्बासी खलीफा का ख़िलत पहनकर और सियाह अलम हाथ में लेकर आया और लोगों को खलीफा मुस्तंर अब्बासी का फरमान पढ़कर कर सुनाया और तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी कि खलीफा ने हमारी दरख्वास्त को मंजूर फरमा हमारी सरपरस्ती मंजूर फरमा ली है इस तदबीर का ये असर हुआ कि चंद रोज़ के लिए नसर बिन यूसुफ़ मारूफ ब बिबनर और अबू जमील जियान बिन मर्दी वग़ैरह उमरानी जो इबन हूद यानि मोहम्मद बिन यूसुफ़ की मुखालफत पर तो आमदा थी ये देख कर कि के खलीफा बगदाद के फरमान की वजह से लोग उस तरफ़ माइल हैं खामोशी इख्तियार कर ली और बाहर उसकी बेत भी कर ली मगर चंद रोज़ के बाद ये उम्रा फिर मुखालफत पर आमदा और मुस्ताद हो गई और लड़ाइयाँ यानी खाना जंगी का सिलसिला जारी हुआ ईसाइयों ने इस खाना जंगी को देखकर मुसलमानों के शहरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया चुनाचे छः सौ सत्ताईस में उन्होंने शहर मरीदा पर जो कुरतबा के बाद सबसे बड़ा शहर था कब्ज़ा कर लिया अहले मरीदा ने मोहम्मद बिन यूसुफ़ को इतला दी मोहम्मद बिन यूसुफ़ फ़ौरन फ़ौज लेकर मरीदा पहुंचा और अल्फ़ानसोन बादशाह पर शहर के करीब बा हमला अवर हुआ इस लड़ाई में उसको ईसाई फ़ौज से शिकस्त खानी पड़ी शिकस्त खुर्दा वापस हुआ और मरसिया को अपना सल्तनत बनाकर हुकूमत करने लगा छः सौ उनतीस हिजरी में इबनल अहमर ने अपने आप को उनलस फरमा रवाई का हकदार जाहिर करके सरिश और जियान वगैरह शहरों को फतेह कर लिया इसी यासना में अबू मरवान नामी एक सरदार ने अजबीलिया पर कब्ज़ा किया इब्न अहमद ने अबू मरवान के साथ दोस्ती और इतिहाद पैदा करके अपनी कुत को बढ़ाया छः सौ बत्तीस हिजरी में अल अहमर अशबिलिया में दोस्ताना दाखिल हुआ और अबू मरवान को कत्ल करके उसके मकबूज़ा इलाके पर कब्ज़ा कर लिया अशबिलिया की रियाया ने चंद रोज़ के बाद नाखुश होकर अल अहमर को ख़ारिज कर दिया और मोहम्मद बिन यूसुफ़ की फरमाबरदारी कबूल कर ली मोहम्मद बिन यूसुफ ने एक सरदार इब्न रमीमी नामी को अपना वजीर बनाकर अक्सर उमूर सल्तनत उसी के सुपुर्द कर रखे थी आखिर में उसने इबन रमीमी को अलमीरिया का हाकिम बना दिया था इबन रमीमी ने अलमीरिया में बगावत इख्तियार की मोहम्मद बिन यूसुफ उसकी सरकोबी के लिए रवाना हुआ अभी रास्ते ही में था कि इबन रमीमी के जासूसों ने उसे रात के वक्त मौका पाकर कैमे के अंदर गला घोंटकर कर मार डाला यह वाकया चौबीस जमातीसानी छः सौ पैंतीस हिजरी को वक़ू पजीर हुआ उसके बाद इबन रमीमी अलमीरिया का ख़ुदमुख्तार बादशाह बन बैठा मर्सिया की हुकूमत मोहम्मद बिन यूसुफ़ की औलाद के कब्जे में रही जिन्होंने इबन अहमर की इताद कबूल कर ली थी छः सौ अठावन हिजरे में इस ख़ानदान का ख़ात्मा हो गया बनूहूत के अलावा अबन अहमर इबन मरवान इबन खालिद अब्न मरदिनश वगैरह बहुत से छोटे छोटे रईसों ने अपनी अलग अलग रियासतें क़ायम कर ली थीं इबन अहमर ने फर्डिनन बादशाह कैस्टल और तली से से इब्तान कायम किया था और दूसरे छोटे छोटे मुसलमान रईसों की तबाही में फर्डिनेंड का शरीके कर रहा इधर बादशाह बर्सलोना ने अलग मुसलमानों पर चढ़ाइयाँ शुरू कर रखी थी ईसाई अव्वल दो मुसलमानों को आपस में लड़ाती फिर एक के तरफदार होकर दूसरे को बर्बाद करा देती उसके बाद फिर उससे लड़ाई छेड़ देती और दूसरे मुसलमान को उसके मुकाबले पर आमदा कर देती और हमेशा मुसलमानों के शहरों और किलों पर काबिज होते जाती थी इसी सिलसिले में फर्डिनेंड सालिस कैस्टल यानी कस्तला के हुकमरान ने बतारीख़ तेज शवाल छः सौ छत्तीस हिजरी दारुलफा कुरतबा को फतेह कर लिया और उस अज़ीमशान इस्लामी शहर की अजमत बुजुर्गी को खाक में मिलाकर उनलस में ईसाई सल्तनत की बुनियाद को पायदार और रिश्तेवाल बना दिया इसी तारीख से उनलस में इस्लामी शौकत का खात्मा समझना चाहिए इब्न अहमद ने यह दानाई का काम किया कि फ्रेडन से सुलह करके और बाद शहरों के उसे देकर अपनी तरफ से एक अरसे तक मुतमिन रखा और इस फुर्सत में गरनाता मालिका लारीख़ा अलमिरिया जियान वगैरह पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और एक ऐसी मजबूत रियासत जजीरा नुमाई उनलस के करीबन चौथाई रुखबे पर कायम कर ली जो आइंदा ढाई सौ साल तक कायम रही अब बजाय तमाम जजीरा नुमाई उनलस की सिर्फ जनूबी और मशरक़ी उनजस में इस्लामी हुकूमत महदूद होकर रह गई थी और बजाय करतबा की गरनाताा इस्लामी उनलस का दारुल हुकूमत करार पाया इस छोटी सी इस्लामी सल्तनत का रुखबा पचास हज़ार मील मुरबा यानी कुल जजीरा नुमा का चौथाई हिस्सा था अब जेल में सल्तनत गरनाताा के हालात बयान होते ही, उसके बाद उन की इस्लामी तारीख ख़त्म हो जाएगी सल्तनत गरनाताा इबन हमर, नसर बिन यूसुफ जो इबन हमर के नाम से मशहूर है जिसका ज़िक्र ऊपर आ चुका है उसने छः सौ बत्तीस हिजरी में अजबेलिया के हाकिम इब्ने खालिद को अपना दोस्त और खलीफा बनाकर गरनाता और मालिका पर कब्ज़ा कर लिया छः सौ तिरतालीस हिजरी में हाकिम अलमरिया ने उसकी इतात कबूल कर ली और छः सौ तिरसठ हिजरी में लारिका की रियाया ने भी उसको अपना बादशाह तस्लिम कर लिया अब तक फर्डिनंड ने उसकी मुआफ़त की थी लेकिन जब तमाम मुसलमान रियासतें एक एक करके ख़त्म हो गई तो ईसाइयों ने इब्न अहमर की रियासत को हजम करना चाहा इबनल अहमर ने यह अक्लमंदी की थी कि बनी मरीन के बादशाह याकूब हक से जो अफ्रीका और मराक्षश में मुवाहिदीन के बाद हुक्मरान था दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा कर लिए थे जब कभी इबन अहमर को ईसाइयों के मुकाबले की ज़रूरत पेश आई तो याकूब मरीनी की तरफ से उसे फ़ौजी इमदाद पहुँची इस तरह इबन अहमर ईसाइयों को बार बार शिकस्तें देकर भगाया और अपनी छोटी सी सल्तनत को उनके दस्ते बुरद से बचाया इब्न अल अहमर ने गरनाता में कसर अल हमरा की बुनियाद रखी जो उनलस में इस्लाम की मिटी हुई शौकत के अहद की एक अजूबा रोजगार इमारत समझी जाती और सात अजायबात आलम यानी सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शुमार होती है हालांकि करतबा के कसर जहरा से उसे कोई नस्बत ना थी जिसे ईसाई वशियों ने सफे हस्ती से मिटा दिया है इब्न अल अहमर एक लड़ाई में ईसाइयों को शिकस्त देकर गरनाताा को वापस आ रहा था के पंद्रह जमातीसानी छः सौ इकहत्तर हिजरी को महल के करीब पहुँच कर इतफ़ाक़न घोड़े के ठोकर खाने से गिरा बज़ाहिर कोई ख़तरनाक ज़ख़म नहीं आया था मगर इसी सदमे से उनतीस जमाती छः सौ इकहत्तर हिजरी को फौत हुआ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद उसके बाद उसका बेटा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद तख्तनशीन हुआ तकनशीनी के वक्त उसकी उम्र अड़तीस साल की थी उसने अपने बाप की वसीयत के मुआफ़ बनी मरीन से सिलसिला दोस्ती जारी रखा और नहायत होशियारी और मुस्तादी के साथ मुहिमत सल्तनत में मसरूफ़ हुआ छः सौ तिहत्तर हिजरी में ईसाइयों ने सल्तनत गरनाता पर चढ़ाई कर दी महमद ने याकूब बिन अब्दुल हक मरीनी से अनात तलब की याकूब ने फ़ौर अपने बेटे को मा फौज उन्धलस रवाना किया और उसके अख़ब में खुद भी रवाना हुआ और जज़ीरतुलज़रा को एक बागी अमीर से छीन कर अपनी फ़ौज का मुस्तर बना लिया मोहम्मद ने भी अपनी तरफ से किला जरीफा याकूब की नज़र किया कि बादशाह अपनी फ़ौजी छावनी यहाँ कायम कर ले सुल्तान मोहम्मद और सुल्तान याकूब दोनों ने मिलकर ईसाइयों पर हमला अवर हुए पंद्रह रबी अव्वल छः सौ छिहत्तर हिजरे को एक सख्त लड़ाई के बाद ईसाइयों को शिकस्त फाश हुई उस शिकस्त के बाद ईसाइयों ने दोबारा फिर फ़ौज की और मुसलमानों ने उनको शिकस्त फाश दी उसके बाद मुहर्रम छः सौ पंचानवे हिजरी में शाह कस्तला ने गनाता की सरहद पर फ़ौजें जमा करनी शुरू की सुल्तान मोहम्मद ने यह खबर सुनकर फौरन हमला किया और मुकाम कजा और उसके मुतलक को जो ईसाइयों की छावनियाँ थी उसे फ़तेह कर लिया छः सौ निन्यानवे हिजरी में सुल्तान मोहम्मद ने ईसाइयों से बास सरहदी किलों को छीन लिया करीबन तीस साल हुकूमत करके आठ शावन सात सौ एक हिजरी को सुल्तान मोहम्मद ने वफात पाई यह सुल्तान मोहम्मद फकीह के नाम से मशहूर है क्योंकि उसे कुतुब बीनी का बहुत शौक़ था मोहम्मद फकीह के फौत होने पर उसका बेटा मखलू नशीन हुआ सुल्तान मोहम्मद फकीह से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसने याकूब बिन हक की फ़ौजी छावनी को अपने लिए मजबर समझ कर ईसाइयों को उभार दिया और उनकी इमदाद को पहुँच कर बनी मरीन के कब्ज़े से निकलवा कर ईसाइयों का कब्ज़ा करा दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि ईसाइयों की एक ऐसी छावनी कायम हो गई जिसकी वजह से हुकूमत गरनाता को किसी बहरी रास्ते से इमदाद पहुँचनी दुशवार हो गई मोहम्मद मखलू मोहम्मद फ़ीर के बाद उसके बेटे मोहम्मद मख़लू ने तकनशीन होकर मोहम्मद बिन मोहम्मद हकम लखमी वजीर सल्तनत को तमाम इख्तियारत सल्तनत अदा कर दिए सात सौ तीन हिजरी में हाज बिन नसर हाकिम वादी आश ने अम बगावत बुलंद किया मगर गिरफ्तार गिरफ्तारो मकतुल हुआ और माह सात सौ पाँच हिजरी में मोहम्मद मकलू ने अफ्रीका के किले सूता को फ़तेह किया वजीर सल्तनत से रियाया के अक्सर लोग नाखुश थे जिसका नतीजा यह हुआ कि मोहम्मद मकलू के भाई नसर बिन मोहम्मद को बगावत पर आमदा किया और अव्वल वजीर सल्तनत के मकान को लूट कर खसरे शाही पर धावा कर दिया मोहम्मद मख़लू को गिरफ़्तारों माजूल करके नसर बिन मोहम्मद को तख्ते सल्तनत पर बिठा दिया सुल्तान नसर बिन मोहम्मद सुल्तान नसर बिन मोहम्मद फकीह ने तकनशीन होकर अबुल हाज़ मकतूल मस्कूर के बेटे नसर को अपना वजीर बनाया मोहम्मद मखलू का अजल और नसर बिन मोहम्मद की तकनशीनी का वाक़ा बरोज़ ईदुल्फित्र सात सौ आठ हिजरी वक़ू पजीर हुआ था सात सौ नौ हिजरी में बादशाह कस्तला ने अलज़ायर पर हमला कर दिया ये शहर तो फतेह ना हुआ मगर जबल तारीख़ पर शाह कस्तला का कब्जा हो गया इसी साल दूसरी तरफ शाह बरसलोना ने अलमीरिया पर हमला कर दिया सुल्तान नसर के बचाने के लिए फ़ौज भेजी अभी अलमीरिया पर सिलसिला जंग जारी था कि अबू सईद ने जो इबनल अहमर का भतीजा और हाकिम मालिका था उसने अलम बगावत बुलंद कर दिया उसके बेटे अबुलवाद ने अलमीरिया को फतेह करके बेलिश को भी फतेह कर लिया और इस तरह सल्तनत गरनाता में खाना जंगी शुरू होकर सल्तनत के दो टुकड़े हो गए ये नासुदा हालात अभी रुब इस्लाह सल्तनत ना हुए थी कि जमातीसानी सात सौ दस हिजरी में सुल्तान नसर बीमार हुआ और ज़िंदगी से नाउमीदी हुई लोगों ने सुल्तान मोहम्मद मखलू को सुल्तान नसर की जगह नशीन कराना चाहा इतफाक़ा सुल्तान नसर तंदुरुस्त हो गया उसने सुल्तान मोहम्मद मखलू को जो अब तक क़ैद था उसे कत्ल कर दिया अबू सईद और उसके बेटे अबुल वलीद ने मालिका को दारुल दारकूमत बनाकर अपने मकबूजा हिस्सा मुल्क पर खुद ख़ुदमुख्ताराना हुकूमत शुरू कर दी थी फिर मुहर्रम 713 हिजरी में अबुल वलीद फ़ौज लेकर सल्तनत गनाता के करीब करियतुल अतशा में आकर खैमज़न हुआ सुल्तान नसर भी गरनाता से फ़ौज लेकर निकला सात हिजरी को सुल्तान नसर ने अबुलवलीद से शिक्ष खाई और गरनाता में आकर पनाह ली गरनाता पहुँच कर सुलाह की कोशिश की अभी सुलाह नामे की तकमील ना होने पाई थी के बाद सरदारा ने गरनाता ने वलीद को जो मालिका चला गया था जाकर सुलह से रोका और गरनाता पर हमले की तरकीब दी वो बाद सरदारा ने गरनाता को अपना हमदर्द पाकर फौरन हमले पर आमदा हो गया मुकाम शेदुना के करीब मालिका और गरनाता की फ़ौजों का एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ आखिर अबुल वलीद को फतेह हासिल हुई और वो उन मुफरदीन के साथ ही गगनाता में दाखिल हुआ और सुल्तान खसरे हमरा में महसूर हो गया आखिर इक्कीस शवाल सात सौ तेरह हिजरी को सुल्तान ने तख्ते सल्तनत से दस्तबरदारी की दस्तावेज अबुल वलीद के हक में लिख दी अबुल वलीद अबुल वलीद ने गनाता के तख्त पर जुलूस करके नसर को वाद आश में जाकर रहने की इजाज़त दे दी अबुलवलीद ने गरनाता के अनान हुकूमत अपने हाथ में लेकर बहुत होशियारी से उमूर सल्तनत को अंजाम देना शुरू कर दिया ईसाई जो मुसलमानों की इस खाना जंगी को खामोशी से देख रहे थे, ये देखकर कि अब गरनाता के तख्त पर पहले से ज्यादा काबिल और बहादुर बादशाह काबिज़ हो गया है हमला आवरी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए चुनाचे शाह कस्तलानी सात सौ सोलह में सल्तनत गरनाता की सरहदी मकाम पर हमला किया और कई शहरों पर काबिज़ हो गया अबुलवलीद ने भी सिलसिला जंग जारी रखा और आखिर मुहर्रम सात सौ उन्नीस हिजरी में ईसाइयों को मारकर निकाल दिया और अपना तमाम इलाक़ा उसने खाली करा लिया अबुल वलीद की ये चेरा दस्ती देखकर ईसाइयों ने मजहबी जंग का ऐलान करके तमाम ईसाई सरदारों को मुसलमानों की बैकूनी पर आमदा कर लिया पाद्रियों ने अपने वाजो तकरीर से ईसाई ममालिक में जोश पैदा कर दिया उनके पोप आज़म ने ख़ास तौर पर इस जिहाद में हिस्सा लिया था और शहर तलतला में ईसाई अफवाज का अज्तम हुआ दो लाख से ज़्यादा जंग जो ईसाई तलेतला में जमा हो गई के गर्नाता की रियासत को बैकूनी से उखेड़ कर मुसलमानों का नामोनीशन जजी उन्दलस से मिटा दी इस लश्कर अजीम का सिपह सालारज़म सल्तनत कस्तला का वली अहद बतरदा करार दिया गया पोप के मुख्तलफ़ ममालिक से पच्चीस के करीब ईसाई सलातीन इस लश्कर में आकर शरीक हो गई पोपेजम ने हर एक सरदार के सर पर हाथ फैर कर उसे बरकत दी और तमाम बड़ा अजम यूरोप में पादरियों ने दुआएं मांगी कि इस मरतबा उनद से मुसलमानों का नामो निशान मिटा देने में कामयाबी हासिल हो जंग अलबसरा इस अजीमशान लश्कर और ऐसी हैरत अंगीज तैयारियों का हाल सुनकर गर्नाता के मुसलमानों को बड़ी परेशानी हुई अबुलवलीद ने मराक्षज के बादशाह अबू सईद के पास पैगाम भेजा यह वक्त मदद का है मगर सुल्तान मराकश ने किसी किस्म की मदद देने से इनकार कर दिया या ये कि वो कोई मदद ना दे सका बहरहाल जब उस तरफ से भी मायूसी हुई तो गरनाता के मुसलमानों की अजीब हालत हो गई उनकी निगाहों के सामने हिलाकत यकीनी थी और कामयाबी की कोई सूरत नज़र न आती थी वलीद सुल्तान गरनाता ज़्यादा से ज़्यादा जिस क़दर फ़ौज जमा कर सका उसकी तदाद साढ़े पाँच हज़ार थी यानी चार हज़ार प्यादे और डेढ़ हज़ार सवार ईसाइयों के कई लाख लश्कर जर्रार के मुकाबले में इस क़लील तैदाद की कोई हकीकत ही ना थी मगर खुदा पर भरोसा करके इसी मुठ्ठी भर फौज को लेकर सुल्तान गरनाता बीस रबीस्तानी सात सौ उन्नीस हिजरी को गरनाता से रवाना हुआ सुल्तान ने अपने एक सरदार शेख उल्ज़ाह नामी को पाँच सौ आदमियों का एक दस्ता देकर बतौरे हरावल आगे भेजा और पाँच हज़ार फ़ौज लेकर उसके पीछे खुद रवाना हो गया रास्ते भर उमराई लश्कर से मशवरे होते रहे कि हम किस तरह ईसाइयों पर फतेह पा सकते हैं आखिर मुसलमानों के हरावल का ईसाइयों के हरावल से मुकाबला हुआ और ईसाई हरावल शिकस्त खाकर पीछे हट गया उसके बाद सुल्तान अबुल वलीद ने मुकामबीरा के मुतसिल झाड़ी में अपने एक सरदार अबुल हयूश नामी को एक हज़ार सवारों के साथ छुपा दिया शेख अल को पाँच सौ सिपाहियों के साथ आगे भेजा और हुक्म दिया कि तुम ईसाइयों के सामने पहुँच पीछे हटना और अपने ताकुब में उनको लगाए लाना और सुल्तान अबुल वलीद एक मुनासिब मुकाम पर ठहर गया और बाकी फौज को एक और सरदार को देकर मुनासिब हिदायत के साथ आगे बढ़ने का हुक्म दिया शेखल ग़जा छः जमातीलव्वल सात सौ उन्नीस हिजरी को अलबा ईसाई लश्कर के सामने पहुँचा ईसाइयों ने उस खलील जमात को देख कर फ़ौर हमला कर दिया शेख उग़ा ने हजब हिदायत पीछे हटना शुरू किया और ईसाई लश्कर का समंदर कमजोर मुसलमानों के खून से हाथ रंगने के शौक में निहायत जोशो खरोश के साथ मुतहर हुआ शेखुल गजा पीछे हटता जाता था और ईसाई लश्कर जोश मुसरत में बढ़ता चला आता था जब अबुल हयूश के सामने से यह लश्कर गुजरा तो वो अपनी एक हजार हमराहियों को साथ लेकर शेर की तरह झाड़ी से निकलकर ईसाइयों पर टूट पड़ा अबुल हयूश के हमला अवर होते ही शेखुल गजा भी रुक कर हमला अवर हुआ उसके साथ ही सुल्तान अबुल वलीद भी तीसरी सिमत से अपने तीन सौ सवारों को लेकर हमला अवर हुआ उसके साथ ही बा़िया फ़ौज ने भी बड़ी बेजिगरी के साथ हमला किया बज़ाहिर ये हमला और सितम उस कई लाख के लश्कर अजीम के सामने कोई हकीकत ही ना रखते थे। मगर मुसलमानों ने अपनी जान पर खेलकर और ज़िंदगी से मायूस होकर शौक शहादत में इस शिद्दत से हमले किए थे कि ईसाई लश्कर हवास होकर ताबे मुकाबला ना ला सका और जिधर जिसका मुंह उठा भागने लगा एक लाख ईसाई मैदान जंग में खेत रहे और बाकी अपनी जान बचा कर ले गए गालिबंद ये लड़ाई जो जंगबीरा के नाम से मशहूर है अपनी नौीय में बेनज़ीर जंग है सबसे ज़्यादा हैरत का मुकाम यह है कि इस लड़ाई में सिर्फ तेरह मुसलमान शहीद हुए थे एक तरफ तेरह और दूसरी तरफ एक लाख आदमियों का हिला होना अजयबाद में से एक है मैदान जंग में सिपह सालारजम बतरदू और 25 मुआवन की लाशें भी मौजूद थीं 7000 हज़ार कैदियों में बतरदू की बीवी और बेटे भी शरीक थे बतरदू या बतरूह की लाश एक संदूक में रखकर शहर गरनाता के दरवाजे पर लटका दी गई थी इस शिकस्त फाश से ईसाइयों की कमर टूट गई और उनको मालूम हुआ कि गरनाता की रियासत का उमलस से नामोनिशान मिटाना कोई आसान काम नहीं सुल्तान वलीद ने इस फतेह पर खुदाई ताली का शुक्र अदा किया और ईसाइयों की दरख्वास्त पर उनसे सुलह करके अपनी सल्तनत के अंदरूनी इंतज़ाम इस्तेहकाम में मसरूफ हो गया और जब सात सौ पच्चीस हिजरी को सुल्तान अबुल वलीद ने खिलाई मरताश फतेह किया उसके बाद जब सुल्तान करनाता में वापस आया तो सत्तईस रजब सात सौ पच्चीस हिजरी को उसके भतीजे ने उसे धोखे से कत्ल कर दिया अराकी ने सल्तनत ने खिसास में कातिल को कत्ल किया और सुल्तान के बेटे मोहम्मद को तख्त तकनशीन किया सुल्तान मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद ने तखनशीन होकर अबुल आला उस्मान को अपना वज़ीर बनाया वजीर उस्मान ने अपना इकतदार जब हद से ज़्यादा बढ़ाया और तख़ते सल्तनत के लिए मुजर साबित होने लगा तो सुल्तान मोहम्मद ने सात सौ उनतीस हिजरी में उसे कत्ल करा दिया सात सौ हिजरी में सुल्तान मोहम्मद ने जबल तारीख को ईसाइयों से खाली करा लिया ईसाई उसके बचाने और वापस लेने के लिए बहरी और बरी फ़ौजों के साथ हमला अवर हुए मगर नाकाम ना रही जबले तारीख से सुल्तान मोहम्मद गरनाताा को वापस आ रहा था कि अबूल उस्मान के बेटों और रिश्तेदारों ने मौका पाकर सुल्तान मोहम्मद पर हमला कर दिया और कत्ल कर दिया सुल्तान के हमराही उसकी लाश को मालिका लाई और यहीं दफन कर दिया सुल्तान यूसुफ़ सुल्तान मोहम्मद मकतूल का भाई यूसुफ नशीन हुआ सुल्तान यूसुफ़ की उम्र तख्त नशीनी के वक्त सिर्फ सोलह साल की थी मगर ये नहायत अक्लमंद बाखुदा और बहादुर शख्स था उसने नहायत काबिलियत के साथ सल्तनत को संभाला और अपने भाई के कातिलों से इंतकाम लेकर उमुर सल्तनत को नहायत आमदगी से अंजाम दिया दियासाइयों ने जबल तारीख़ और उसके निवाह में फिर हमला अवरी की और छेड़छाड़ शुरू कर दी सुल्तान यूसुफ ने अबुल हसन मरीनी शाह मराकश को तोज्जह दिलाई अबुल हसन मरीनी ने अपने बेटे को फौज देकर जबल तारीख की तरफ भेजा उधर से सुल्तान यूसुफ भी पहुंच गया हुई। ईसाइयों ने शिकस्त पाई जब मराकिशी लश्कर वापस जाने लगा तो ईसाइयों ने धोखा देकर एक सख्त हमला कर दिया इसमें मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ 740 हिजरी में सुल्तान अबुल हसन ख़ुद 60,000 फ़ौज लेकर उनलासा आया इधर से सुल्तान यूसुफ भी उसकी इमदाद इयानत को पहुंच गया ईसाइयों ने इस्लामी लश्कर की चढ़ाई का हाल सुनकर पहले से खूब तैयारी कर ली थी ज़रीफ़ के मुतसिल एक मैदान में जंग अजीम बर्पा हुई ईसाइयों की फ़ौज तैदा और सामान्य जंग में बहुत ज़्यादा थी इस लड़ाई में मुसलमानों को हजीमत हुई और एक बड़ी तैदाद ने जाम शहादत नोश किया ईसाइयों ने सल्तनत गरनाताा के एक हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया सुल्तान अबू हसन मराक्षश को वापस गया और यूसुफ ने गनाता में आकर पन्ह ली इस लड़ाई में बड़े बड़े उलमा जो शामिल लश्कर थे शहीद हो गए उन्हीं शहीदों में से लसानुद्दीन खतीब के बाप अब्दुल्ला सलमान भी थे आठ सौ उनचास हिजरी में सुल्तान यूसुफ़ ने लसानुद्दीन खतीब को अपना वजीर आजम बना दिया और ईसाइयों से इंतकाम लेने की तैयारियों में मसरूफ़ रहा सात सौ पचपन हिजरी में सुल्तान यूसुफ ईसाइयों पर जिहाद के लिए तैयार हो चुका था ईद के रोज़ जबकि सुल्तान नमाज ईद अदा कर रहा था सजदे की हालत में एक मजहल अहवाल शख्स ने नेजा मारकर सुल्तान को शहीद कर दिया खसरे हमरा में उसे दफन कर दिया गया सुल्तान मोहम्मद गनी यूसुफ के बाद उसका बेटा मोहम्मद तख्तनशीन हुआ और गनी बिल्लाह का लकब इख्तियार किया तख्तनशीनी के चंद रोज बाद सुल्तान मोहम्मद ने लसानुद्दीन ख़तीब को सालिम बिन अबुल हसन मरीनी शाह मराकश के पास भेजा कि उसे ईसाइयों के खिलाफ इमदाद पर आमादा करी सालिम ने फ़ौज भेज दी और ईसाइयों से मामूली लड़ाइयाँ हुई, मगर कोई काबिल तस्करा नतीजा बरामद ना हुआ हाजबी सल्तनत रिजवान नामी उस बादशाह के मिजाज में दखिल होकर सियाह सफ़ेद का मालिक हो गया था इसका नतीजा यह हुआ कि सुल्तान मोहम्मद के सौतीले भाई इसमाइल ने अट्ठाईस रमज़ान सात हिजरी को जबकि सुल्तान महम्मद शहर से बाहर जन्नत आरारीफ़ में मुकीम था किले गरनाता पर कब्ज़ा कर लिया उनतीस रमज़ान की सुबह को जब सुल्तान मोहम्मद ने सुना कि शहर किले पर इस्माइल का कब्जा हो चुका है तो वो सीधा वाद आश की तरफ रवाना हुआ और वहाँ पहुँच कर फ़ौज फराहम करने लगा साथ ही उसने शाह खस्तला से ख़त किताबत करके उसे अपनी इमदाद पर आमदा करने की कोशिश की मगर अभी ईसाई बादशाह की तरफ से कोई तस्किन बख्श जवाब नहीं मिला था क्या सुल्तान सालिम बिन अबुल हसन मरीनी बादशाह मराकश की तरफ से दस जिलहज़ा छः सौ साठ हिजरी को अबूकसिम इबन शरीफ़ बतौर सफीर पहुँचा और सुल्तान मोहम्मद से कहा कि बादशाह मराकश के साथ चूँकि आपके कदीमी दोस्ताना तल्लत हैं लिहाजा इन तल्लत की बिना पर अबू सालिम ख्वाहिहिशमंद है लिहाजा इन तल्ल की बिना पर अबू साल ख्वाहिशमंद है कि आप उसके यहाँ बतौर मेहमान तशरीफ ले चलें वो आपकी हर किस्म की इमदाद करने पर आमदा है इस पर सुल्तान मोहम्मद ग्यारा जिल्हजा को वादी आश से मराकश की जानब रवाना हुआ और मराकश पहुंचकर इज्जत हरमत के साथ सुल्तान अबू सालिम का मेहमान हुआ उधर गरनाता में सुल्तान इसमाइल की हुकूमत शुरू हो गई सुल्तान इसमाइल सुल्तान इसमाईल ने भी तकनशीन होने के बाद खस्तला के ईसाई बादशाह से ख़त किताबत करके दोस्ती और सुलह की बुनियाद क़ायम की शाह खस्तला, चूँकि उन दिनों शाह बरसलोना के साथ बरसर जंग था उसने इस सुलह को बहुत गनीमत जाना मगर चार शाबान सात सौ इकसठ हिजरी को सुल्तान इस्माइल के भाई अबू याहिया अब्दुल्ला ने सुल्तान इस्माइल और उसके साथियों को कत्ल करके खुद तख्ते सल्तनत पर जुलूस किया फिर सत्तई शवाल सात सौ बासठ हिजरी को इक्कीस महीने की जलावतनी के बाद सुल्तान मोहम्मद सुल्तान मराकश की इमदाद से उनस में आया और सल्तनत घरनाता के इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया अबू याहिया अब्दुल्ला ने जब अपने आप को मुकाबले में कमज़ोर पाया तो वो ख़ुद बादशाह कस्तला के पास इमदाद तलब करने गया इस पर बादशाह कस्तला ने इस अानत ख्वाह और पना गजीन को बतारीख़ दौर रजब सात सौ तिरसठ हिजरी उसके तमाम हमराहियों के अशबिलिया के करीब कत्ल करा दिया और उसके तमाम मालो इस्बाब पर कब्जा कर लिया इधर सुल्तान महम्मद मकलू गनी बिल्ला ने बीस जमाती सात सौ तिरसठ हिजरी को गरनाता पर कब्जा करके तख्ते सल्तनत पर जुलूस किया था और ये वो ज़माना था कि जबल तारीख़ सल्तनत मराखिश के मकबूजात में शामिल था और कई साल से सल्तनत गरनाता कस्तला की ईसाई सल्तनत की बाशगुजार हो गई थी सुल्तान मोहम्मद ने इस मरतबा गगरनाता परिज़ होकर नहायत एहतियात और ख़ूबी के साथ अपनी हालत को संभालने की कोशिश की उसने इतफाक़ से मराकश में अबू सालिम के फौत होने पर उसकी औलाद में खाना जंगी शुरू हो गई और इधर शाह कस्तला और उसके भाई में लड़ाइयाँ होने लगें दोनों तरफ की खाना जंगी से सुल्तान मोहम्मद गनी बिल्ला ने फ़ायदा उठाया एक तरफ तो किला जबल तारीख पर कब्ज़ा कर लिया और दूसरी तरफ सल्तनत कस्तला को खराज देने से साफ इनकार कर दिया ये वाक़ सात सौ बहत्तर हिजरी का है सात सौ बहत्तर हिजरी में जब शाहे कस्तला के सफीों को कोई खराज नहीं दिया गया और इनकारी जवाब के साथ वापस लौटाया गया तो ईसाइयों से बुझस खामोश रहने की और कुछ ना हो सका गर्ज़ इस सुल्तान के अहद हुकूमत में सल्तनत गरनाता के रोबो वक़ार ने खूब तरक्की की और ईसाई उसे डरने लगे